कांग्रेस ने इंदिरा फेलोशिप कार्यक्रम की लॉन्चिंग की। आपको बताते चले, इंदिरा फेलोशिप कार्यक्रम की लॉन्चिंग को लेकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष पारस शुक्ला ने अपने निवास पर एक प्रेस वार्ता आयोजित की। इंदिरा फेलोशिप कार्यक्रम की लॉन्चिंग के उद्देश्यों की जानकारी देते हुए अध्यक्ष पारस शुक्ला ने बताया कि दूरदर्शी नेता इंदिरा गांधी के सम्मान में यह एक पहल जिसका उद्देश्य राजनीतिक क्षेत्र में महिलाओं की आवाज़ को बुलंद करना और हमारे समाज में एक अत्यंत आवश्यक परिवर्तन लाना है। उन्होंने कहा कि युवक कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने इंदिरा फेलोशिप कार्यक्रम को प्रचारित करने की विशेष जिम्मेदारी लेते हुए पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जनपद शहर में और ब्लॉकों में तक इसको ले जाने का संकल्प लिया। राजनीति में रुचि रखने वाली महिला कार्यकर्ताओं, पेशेवरों और उन सभी महिलाओं के लिए एक अवसर जो परिवर्तन लाने के लिए प्रतिबद्ध है। मैं पारस शुक्ला हूं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश युवक कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष हूं। आज हम लोग, जैसा कि हम लोग शक्ति सुपर सी एक हमारा कार्यक्रम है जिसी के तहत हम इंदिरा फेलोशिप और शक्ति अभियान की आज लॉन्चिंग करने जा रहे हैं, जो कि हम उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 27 के 27 जिलों में इस लॉन्चिंग को आज कार्यरत किया गया है। इसी में हमारे अलग अलग जिलों में सब जिलाध्यक्ष पश्चिम उत्तर प्रदेश के सब लोग ये लॉन्चिंग कर रहे हैं। इंदिरा फेलोशिप के माध्यम से राहुल गांधी जी ने जो आधी आबादी, जो नारी शक्ति है, उसको और मजबूती देने के लिए, क्योंकि इंदिरा गांधी जी की हमेशा से सोच और हमेशा से आर एन लेडी का एक व्यक्तित्व रहा है कि उन्होंने हमेशा हक और हिस्सेदारी की बात, जो महिलाओं की हिस्सेदारी और महिलाओं के हक की बात करी है, उसी को लेकर आज इंदिरा फेलोशिप की हम लॉन्चिंग करने जा रहे हैं। इस लॉन्चिंग में हर जो जितनी भी हमारी महिलाएं हैं, जितने भी हमारे, उनको इक्वालिटी देना, उनको समानता देना, उनको सक्षम बनाना, उनको ताकत देने का काम आज राहुल गांधी जी के माध्यम से करा जा रहा है। राहुल गांधी जी, माननीय प्रियंका गांधी जी, माननीय सोनिया गांधी जी हमेशा से चाहते हैं कि महिलाएं आगे से आगे हक बढ़ चढ़ कर राजनीति में हिस्सा लें, तो उसी के तहत इंदिरा फेलोशिप का जो हमारा कार्यक्रम है, ये हर गांव में, हर ब्लॉक में, पंचायतों में और विधानसभाओं में और लोकसभाओं में और जिलों में ये कार्यक्रम की लॉन्चिंग करी जाएगी, जिससे महिलाओं को आगे आने के लिए, पॉलिटिकली मजबूत करने के लिए उनको सक्षम किया जाएगा। और आने वाले समय में हम हर ब्लॉक पे, हर पंचायतों में एक शक्ति क्लब का भी आयोजन करेंगे। शक्ति क्लब के माध्यम से हम वहाँ पर जितनी भी महिलाएं हैं उनको अलग अलग कार्यक्रम, समानता के कार्यक्रम, सामाजिक कार्यक्रम जो भी होंगे, उससे उत्साहवर्धन किया जाएगा और उन्हीं के तहत आगे लिया जाएगा। और इन्हीं के बीच में से आने वाले समय में कोई बड़ा लीडर बनेगा, जो जिनको जिम्मेदारी दी जाएगी प्रदेश लेवल पे, राष्ट्रीय लेवल पे, यही राहुल गांधी जी की सोच है, जिसके लिए हम राहुल गांधी जी के सिपाही हर समय, हम युवक कांग्रेस के सिपाही हर समय कंधे से कंधा मिलाकर इस हिस्सेदारी में, इंदिरा फेलोशिप को आगे बढ़ाने में, शक्ति अभियान को आगे ले जाने में तत्पर हैं। धन्यवाद।